नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के तीन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इन तीनों विधायकों ने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी किया और कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा नुकसान भी किया। इनमें से एक जो है कमलेश शाह, जो अमरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है अपनी विधायकी से, लेकिन बाकी दो, निर्मला सप्रे जो बीना से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुनकर आई थी और रामनिवास रावत जो श्योपुर की विजयपुर सीट से विधायक बनकर आए थे, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। और इनमें से रामनिवास रावत अब कह रहे हैं कि वो उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ही नहीं, वो भाजपा में कभी गए ही नहीं, जो कि एक सफेद झूठ है। जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उस समय तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उस सभा में शामिल थे और उस समय वो सुर्खियों में भी छाए रहे। और जहां तक निर्मला सप्रे की बात है, वो कह रही है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए अभी तक नहीं दिया है क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं ने अभी उन्हें कोई इस तरह के आदेश नहीं दिए। तो सवाल यही है कि ये जो दो नेता हैं, निर्मला और रामनिवास रावत, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इनसे इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रही है? कहीं चुनाव हारने का डर तो नहीं है? और कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है और क्यों कोई नोटिस इनको अभी तक नहीं दिया गया? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश गुप्ता जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों अभी तक इस्तीफे नहीं हुए? कमलेश शाह का तो हो गया, अमरवाड़ा से वो चुनकर आए थे, उनका इस्तीफा भी हो गया है और अब चुनाव भी वहां डिक्लेयर हो गया है, बाय इलेक्शन वहां चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी, लेकिन ये दो लोग जो है ये अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। आपने बताया डर, डर बहुत बड़ी चीज है। आपने इस्तीफा यदि दे देते तो इलेक्शन होता, और इलेक्शन होता तो जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत जाते, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो एक अलग तरह का है और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो एक अलग तरह का है। जो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से रामनिवास रावत आते हैं, अब देखिए वो कई बार तो वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, कई बार हारा में कांग्रेस के अच्छा समर्थन मिला था लेकिन हार गए थे वहाँ। एक और जो उनके साथ है विजयपुर में, वो जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, जिस वोट बैंक को बिलोंग करते हैं, वो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, वो मुरैना जिले की सवलगढ़ में है। तो वो उनका जो भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट था आगे 28-29 के चुनाव के लिए उनका एडजस्टमेंट है, लेकिन इस बार उनको चुनाव में थोड़ी सी जो स्थितियाँ हैं वो उनके फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए उनको लग रहा था कि उस वक्त तो लग रहा होगा जब पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन अब शायद कुछ उनको टफ लग रहा है। बीना का भी आप देखिए कि वहाँ SC रिजर्व सीट है वो, और जो वोट जो SC का वोट है इस वक्त उसका जो माइंडसेट है वो कांग्रेस की तरफ है, और निर्मला सप्रे जीती तो कांग्रेस के उस पर जीती। अब जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़े जीत जाएं। इमरती देवी का क्या हुआ था? इमरती देवी भी SC होने के कारण उनको डबरा से कांग्रेस का वोट मिल जाता था, यही निर्मला सप्रे का था। इमरती देवी हारी तो इनको एक इमरती देवी का चेहरा तो याद आता है कि कहीं ऐसा ना हो उनका भी हश्र हो जाए। तो ये जो हारने का डर है, विधायक की जाने का जो डर है वो तो है ही। इन दोनों के एक और जो बयान बड़े कॉमन है जो पिछले दिनों काफी चर्चा में है कि वो इंतजार कर रहे हैं उनको विधायक निधि मिल जाए तो फिर हम वो चुनाव लड़ने के बारे में सोचें। तो विधायक निधि क्यों चाहिए उनको? डेवलपमेंट वर्क। अब जो विधायक निधि के लिए आप क्यों इंतजार है? आपको फिर मिल जाएगी विधायक निधि। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तो जो नैतिक मूल्य होते हैं राजनीति में वो इन दोनों पर एप्लीकेबल नहीं है। सिंधिया अपने समर्थकों के साथ गए, उन्होंने सबने इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा, एक वैल्यूज के साथ उन्होंने जो है चुनाव लड़ा कि जो भी होगा हार जीत हो जाएगी। आप सचिन बिरला का उदाहरण है, वो तो वो भी उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया, वो भी आखिरी वक्त तक करते रहे, विधायक बने रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने दल बदल कानून के तहत उनको लगाया भी, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने, चूंकि स्पीकर का उसमें विशेषाधिकार है, कुछ ना कुछ किसी कारण से उलझाते रहे। तो शायद ये भी कोई एक चल रही हो कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के खिलाफ जब कोई आवेदन यदि लगाएगी कांग्रेस तो फिर जो है कोई कांग्रेस पार्टी के पास अभी क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि अगर वो पार्टी से उनको निकाल देते हैं तो वो उनके खिलाफ जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, और अगर नहीं निकालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से वो ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन विधायकी से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं,
और उन्हीं के साथ वो विधानसभा में बैठे। ओपन शट केस है जो है आपको दल बदल कानून के तहत, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आपने दल बदल किया, आप राजनीतिक मंच पर थे, आप चुनावी सभा में थे जो आपके दल की नहीं थी, ये अपने आप में उसका वीडियो और विरोधी के साथ खड़े हुए थे। यहाँ कोई बिप वगैरह का चक्कर नहीं है, आपने तो मंच शेयर किया है ना, यही निर्मला सप्रे के साथ है, यही राम निवास रावत के साथ है, उन्होंने छपी अगले दिन के भाई उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उन्होंने बहन आए हैं उन्होंने इनकार भी नहीं किया, दोनों ने वो किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लगा रही, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो शायद संसदीय प्रक्रिया को नहीं समझता या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं ये करूंगा तो शायद ये स्टैंड पॉलिटिकली बड़ा फिट स्टैंड होगा। तो जबकि ये पॉलिटिकली माइलेज लेने की बात है कि आप उनको एक बार जो है उनके खिलाफ आवेदन लगाइए, जो जो भी होगा आप लड़िए, फाइट तो करिए, इसके लिए सत्र की भी जरूरत नहीं है। बड़ा हास्यास्पद सी चीज आती है कि साहब सत्र होने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है सत्र की, आप स्पीकर के आवेदन लगाइए, दल बदल कानून के तहत उसके जरूर थोड़ी कि सत्र होगा जब होगा, वो तो आप आवेदन लगाइए, उस पर जो प्रोसीडिंग है वो स्पीकर अपनी स्टार्ट कर देगा। अच्छा, जैसे सचिन बिरला के केस में हुआ था कि उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इस तरह की कार्यवाही उनके खिलाफ शुरू की थी लेकिन तत्कालीन स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया, वही कमोबेश स्थिति अभी भी, अगर मान लो कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी लेती है और एक्शन स्पीकर की तरफ से कुछ नहीं होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, जो भी है, आज आप अभी सत्र आएगा 1 जुलाई से, तो आपको उनको सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना जी। हो सकता है कांग्रेस इस बात का वेट कर रही हो कि वो अपना सिटिंग अरेंजमेंट कैसा करते हैं जी। वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो नेचुरली वो कांग्रेस के एमएलए हैं तो उनकी जो बैठक व्यवस्था होगी वो कांग्रेस के साथ होगी। ये तो कांग्रेस पार्टी को दल बदल कानून के तहत लिख के दें और उसके बाद जो है क्या एक्शन स्पीकर लेता। देखिए, जो सचिन बिरला का केस था उसमें टेक्निकल ग्राउंड उसमें कुछ नहीं था, केवल ये था कि आपको हमें नहीं, आपको अनक्वालिफाइड नहीं करना, तो आपने नहीं किया और उसको लिंगर ऑन करते रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी आप देखिए कि बिल्कुल एग्रेसिव ढंग से उसको नहीं लड़ा। समस्या क्या है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो एकजुट होकर किसी मुद्दे पर नहीं जाती कि अपना जो है इस मुद्दे को उठाएं, दबाव बनाएं, तो दबाव वाली स्थिति नहीं है। इसके पहले जो सबसे पहले एक मध्य प्रदेश में 90 से 92 के बीच में जब पटवाजी की गवर्नमेंट थी तो एक दिलीप भटेले हुआ करते थे, बालाघाट के एमएलए थे, वो निर्दलीय जीते थे और उनको पटवाजी ने मंत्री बना दिया था तो उनकी सदस्यता चली गई थी और उन्होंने मोरल ग्राउंड पे इसको एक्सेप्ट किया कि सदस्यता गई है क्योंकि एक निर्दलीय विधायक को आम शामिल नहीं कर सकते मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने फिर दोबारा चुनाव लड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है लेकिन ये बात तो वही है ना कि आपने यदि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, आपको कांग्रेस पार्टी से समस्या है तो फिर आप उसके भीतर उसका पद क्यों नहीं छोड़ देते। दिनेश जी, जैसे राम निवास रावत की अगर हम खासकर बात करें तो वो तो मतलब एक तरह से इस वजह से छोड़कर गए उस समय, जो बात सामने आई कि अपेक्षित महसूस कर रहे थे कि भाई वो डिजर्व करते थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन या कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट 2018 में थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। तो पहले उनकी जाने की बात आई, फिर राहुल गांधी से उनकी बात हुई, फिर उनको रोका गया, फिर वो नहीं गए, फिर वो चले गए अल्टीमेटली, लेकिन उनको मिला क्या? मतलब वो तो विधायक तो ऑलरेडी थे, अब छोड़नी पड़ेगी, फिर चुनाव लड़के आएंगे, जीतेंगे हारेंगे उस पर तो सवाल है, लेकिन और तो कुछ हासिल हुआ नहीं, तो आफ्टरऑल उन्होंने छोड़ा क्यों? हिंदी में तो इसके लिए बहुत सारी कहावतें होती हैं लेकिन जो ठीक नहीं, लेकिन आपको जो है आपकी जो स्थिति क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई जी, जी। जो एक आप लीडर थे क्योंकि आप सिंधिया के बड़े क्लोज हुआ करते थे और आपने उनके साथ रह के नहीं छोड़ा जी। आप उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष थे पार्टी के, आप नहीं गए तो एक बड़ी तो कहे तो ये भी रहते वो कि भाई मंत्री बनाया जाएगा इनको और अभी भी आस लगाए बैठे हैं उनके लोग कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। आपको लगता है कि इस तरह का कुछ उनका रिहैबिलिटेशन होगा? मैंने आपको कहा दिलीप भटेरे का जो उदाहरण है, आप मंत्री बनाइए अभी चली जाएगी सदस्यता, एक और आप तो फिर तो आपकी ओथ का एक डॉक्यूमेंट होगा जी, तो मंत्री तो नहीं बन सकते जब तक वो आप फिर से चुन के नहीं आ सकते, मंत्री नहीं बन सकते। दूसरा, आप यदि आप मंत्री बनाएंगे इस्तीफा देके, तो आप याद करिए जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो गोविंद राजपूत, इमरती देवी सब ने इस्तीफे दे दिए थे, तुलसी सिलावट वगैरह सभी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर चुनाव लड़ने गए थे, तो वो भी एक उदाहरण है कि आपको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो दो लोगों को आप 2 महीने 3 महीने के लिए मंत्री बना के करेंगे भी क्या, उससे लाभ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अभी जो भी स्थितियां हैं कि उसमें या तो आप
कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जब तक एक्शन नहीं लिया, तो आप कह सकते हो कि साहब हमारा हृदय परिवर्तन हो गया या गलती का एहसास हो गया, कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। लेकिन अभी आपको एहसास नहीं है, अभी भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने नहीं कहा, मैं तो नोटिस का इंतजार कर रहा हूँ, या पार्टी नेतृत्व जब निर्देश देगी तब इस्तीफा दे, पार्टी नेतृत्व की क्या जरूरत है इस्तीफा देने की? भाई कमलेश शाह को क्या इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे? उसमें मोरल हाई था। देखिए आप इस मामले में तो उसको अप्रिसिएट किया जाना चाहिए कि कमलेश शाह ने जब कम से कम इस्तीफा दिया। इनको आप क्या कहेंगे? इनको हाँ मतलब हास्यास्पद चीजें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति में पतन की बात होती है तो ऐसे ही चेहरों के कारण होती है। अच्छा जी, फाइनल सवाल मेरा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में तो इन लोगों का इस्तेमाल कर लिया, इन लोगों का जो भी फायदा होना था वो हो गया, और शायद मतलब बीना से तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसे ही शायद सागर से काफी स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी माहौल बनाने के लिए जो कुछ भी इनका इस्तेमाल होना था वो हो गया। फाइनली क्या आपको लगता है कि ये यूज एंड थ्रो हो जाएंगे, इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा तो ना इधर के रहे ना उधर के रहेंगे, वो वाली स्थिति इनके साथ हो सकती है? और फाइनली भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब अभी फिलहाल का स्टैंड है उससे क्या लगता है? अभी 29 सीटें जीते हैं, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं है दो विधानसभा में लड़ने का? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये देखती है कि आप में भी क्षमता हो लगातार जीतने की, तो वो आपका उपयोग करेगी। कोई भी राजनीतिक दल होगा, राकेश सिंह को आप देखिए सतना सांसद हैं, वो लगातार जीत रहे हैं, उनको टिकट मिल रही है, या सिंधिया के साथ जो लोग आए या इसके पहले जितने लोग आए, जो लोग जीत जाते उनको वो टिकट देते हैं जब विकल्प नहीं होता। लेकिन आप नहीं जीत सकते तो फिर सवाल खड़े होते हैं। अब रामनिवास रावत की जो राजनीति है या जिस तरह की चीजें हैं वो लगभग जो अब लगभग खत्म होने पर उनकी राजनीति थी। निर्मला सप्रे का तो भी करियर शुरुआती थी, और वो तो बीना तो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी स्थितियां पहली बार बनी कि वो जीत गए, वो भी बीना को जिला बनाने का जो एक कांग्रेस का कॉल थी उसके कारण वो जीत गए। तो आगे बहुत सारे घटनाक्रम उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो जो है यदि इनकी स्थिति मजबूत रही तो पार्टी इनका करेगी, नहीं तो अन्यथा दोनों के लिए बहुत अच्छे विकल्प वहां हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सीताराम आदिवासी विजयपुर से जीते थे, तो उनकी जो स्थिति वहां आदिवासी वोट अच्छा है। तो रामनिवास रावत को तो वैसे भी अब सर्वता बनता नहीं है, और वो तो अपने लड़के की करियर को लेकर ज्यादा चिंतित है, जिसको सबलगढ़ को लेकर उनका मूवमेंट है कि सबलगढ़ से उनको लड़ाना है। और आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा यदि स्वागत कहीं हुआ रामनिवास रावत का तो सबलगढ़ में, क्योंकि वहां उनके कास्ट के वोट है। और यहाँ जो विजयपुर की बात चल रही थी जो भाजपा की राजनीति में, कि ये सीट तो नरेंद्र सिंह तोमर अपने लड़के के लिए चाहते हैं। तो जो वो एक अलग सियासत है, तो इसमें अलग ही तो इसलिए जो राजनीति है उस राजनीति में रामनिवास रावत हो सकता है कुछ अपनी कंडीशन ले रहे हो, क्योंकि अपनी 28 तक चुनाव है तो लड़के का 28 तक तो कोई भविष्य है नहीं, तो उसके पहले कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो, कुछ बात हो, ऐसी बात हो। तो मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें केवल एडजस्टमेंट के कारण रुकी हैं। तो केवल एडजस्टमेंट के कारण जो आपस में बातचीत हुई है और जो एडजस्टमेंट्स हुए हैं उनके कारण ये सारी चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि अभी 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जाने के लिए, खासकर इन दो सीटों पर। क्योंकि जैसे बीना में भी हरिजन वोटर्स का जो है, शेड्यूल कास्ट वोटर्स का जो है, कांग्रेस की तरफ रुझान होता हुआ दिख रहा है देश भर में, जैसे लग रहा है। और ओवरऑल स्थिति ऐसी दिख रही है कि ये जो दो लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी से तो छोड़कर चले ही गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरीके की उनको ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।